गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम समीरा पहावास नो वट इज स्प्राइट एंड इसका हम क्या यूज करते हैं तो उसके लिए हमें पहले स्क्रैच के बारे में पता होना चाहिए लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच वट इज स्क्रैच नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं ऑल आर इन डिफरेंट लैंग्वेज़ ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए कि वो सारे सेंटेंसेस को रीड कर सकें जब भी कोई दो लोग आपस में बात करते हैं तब उन्हें वो लैंग्वेज उन दोनों persons को वो लैंग्वेज आनी चाहिए तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बात कर सकते हैं जैसे आप इंग्लिश को अच्छी तरह नहीं जानते बट आप हिंदी लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते हो तो आप हिंदी में अच्छी तरह से कम्युनिकेट बात कर सकते हैं ऐसे ही कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो हमें नहीं पता होती हमें किसी से बात करने के लिए उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए नाउ स्टूडेंट्स डू यू थिंक दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इंग्लिश और हिंदी क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर इंग्लिश या हिंदी में से कोई लैंग्वेज समझता है नो इट डजेंट ये कोई लैंग्वेज नहीं समझता टू ऑपरेट ए कंप्यूटर यू हैव टू गिव इट सम इंस्ट्रक्शन हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं द इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन ए लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड और ये इंस्ट्रक्शन उन लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कंप्यूटर समझ सकता है द लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो एक कंप्यूटर समझता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं द कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन बिकॉज इट नोज मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानता है इसीलिए कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है बाकी दूसरी मशीन्स की तरह नहीं है यू नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज़ अ कंप्यूटर प्रॉपरली कंप्यूटर को अच्छी तरह जानने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना चाहिए एंड वन ऑफ द इजिएस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्क्रैच एंड स्क्रैच इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाउ स्टूडेंट्स लेट अस नो हाउ टू ओपन अ स्क्रैच प्रोग्राम स्क्रैच अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री ये हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से इट इज़ यूज टू क्रिएट गेम्स एनिमेटेड स्टोरीज प्रोजेक्ट्स एंड ऑन। ये प्रोजेक्ट एनिमेशन और गेम क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टार्ट स्क्रैच फॉलो दीज स्टेप्स हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे दैन क्लिक ऑन ओल प्रोग्राम्स एंड सिलेक्ट स्क्रैच टू हमने ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है और स्क्रैच प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है द स्क्रैच टू ऑफलाइन एडिटर विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन हमारे पास स्क्रैच की विंडो अपीयर हो जाएगी हेयर इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच स्क्रैच विंडो में हमें कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं मेन्यू बार ब्लॉक मेन्यू स्टेज स्प्राइट ब्लॉक स्क्रिप्टेरिया एंड ब्लॉक्स पैलेट नाउ स्टूडेंट्स इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे टेल नैन टेक केयर हैव ए नाइज